हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो। आज जा रहे हैं पांडुकोल सरस्का नेशनल पार्क, अमेजिंग फॉरेस्ट। चलते हैं दोस्तों, देखो कौन कौन जा रहे हैं। आज जा रहे हैं सरिस्का का अमेजिंग फॉरेस्ट देखने के लिए, और एंजॉयमेंट किए, मस्ती कीजिए आप लोग। आज ज़बरदस्त भीड़ है, ट्रैफिक ज़्यादा है क्या मालूम, और बहुत मज़ा आ रहा है आज चलने में भाई। बादल हो रहे हैं ऊपर, देखिए ज़बरदस्त घटाएँ छा रही हैं। सुबह बरसात आ रही थी, अब भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आज। अभी चल रहे हैं आगे और देखते हैं, मस्ती लेते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक, आज क्या क्या हम आपको दिखाते हैं, अमेजिंग एक्सप्लोर कराएंगे, अमेजिंग अमेजिंग। अब हमें इधर से टर्न करना है, ये घूम चुके हैं, ये लो पहला ही ब्रेकर आ गया। ओ ये ब्रेकर, कुछ समय बाद आएगा रेलवे ट्रैक, रेलवे फाटक को क्रॉस करते हैं। आप देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है, जहाँ भी देखोगे हरियाली हरियाली देखो, इधर भी देखिए। और अब रेलवे फाटक आने वाला है, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर। ब्रेकर सभी जगह बन रहे हैं, उफ़ा क्या ब्रेकर है रे। ये रेलवे फाटक, ये रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पर, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। गांव में तीन तीन टावर लग रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो ये गांव है पूनखर, पूनखर आ चुका है, ग्राम पंचायत है पूनखर, ग्राम पंचायत पूनखर आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो आप पूनखर गांव से निकलते हैं अंदर होके। हाँ तो दोस्तों, अभी हम पूनखर गांव में रुके हुए हैं और यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, बेसन के लड्डू, और बेसन के लड्डू चढ़ते हैं ना हनुमान जी के पांडुकोल, तो बेसन के लड्डू ले रहे हैं, चलेंगे। गए हैं बस बेसन के लड्डू लेने के लिए, मिठाई की दुकान है पास में यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। और दोस्तों देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में, हर घर में शौचालय बन चुके हैं, और क्या टाइटल लिखा हुआ है, शौचालय की बात निराली, करता इज्जत की रखवाली,
क्या बात है, देखिए गजब है ना। और ये आ गए प्रसाद लेके, ले आए। और हमारे भी क्या नाम है, सोनाक्षी को तो प्यास लगने लगी। एक गिलास निकाल लेते ना, गिलास था ना इसमें, ऐसा कैसे पी रहे हो? तो पानी पी रहे हैं अभी, यहाँ से रवाना होते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। कुछ तो बोलिए देवी जी, चलते हुए जा रहे हो, फेस भी दिखा रहे हो, पर कुछ बोलो। क्या बात है। ये गांव की भेड़ बकरियां हैं, लोग चराने ले जा रहे हैं। पहाड़ है सामने सरिस्का नेशनल पार्क के, इसमें चराते हैं लोग। और यहाँ की सुंदरता देखिए, व्यू देखिए चारों तरफ पहाड़ों का, आ हा हा हा, मज़े आ गए हमें जाने में, आनंद आ रहे हैं। आप भी आए दोस्तों, कभी मौका मिले तो, और इसी तरह से एंजॉयमेंट ले, मस्ती करें। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हम सरिस्का नेशनल पार्क के फर्स्ट गेट पर प्रवेश करने वाले हैं, और अभी रुके थोड़ा आपको यहाँ के नज़ारे, सुंदरता, व्यू दिखाने के लिए। पहाड़ भी जवानी पर है, चारों तरफ ग्रीनरी है, खतरनाक ग्रीनरी है। ये देखिए और नदी है, ये पानी चल रहा है इसमें अभी तो। और ये हमारे नन्हे मुन्ने खड़े, ये तो बड़ा मुन्ना है, नन्ना मुन्ना क्या है। और ये देख शक्ल कैसी हो गई, कैसी है शक्ल हो गई चुन्नी, अरे सोना, क्या बात है, शक्ल क्यों लटक रखी है भाई, थक गई। चलो अब चलते हैं आगे। ये छोटे छोटे नाले कब्जारे में बड़ा मज़ा आया, आप भी देखिए एंजॉयमेंट लीजिए। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ की सुंदरता, क्या गजब सुंदर है। और अभी देखें ऐसी नदियाँ नाले पड़ते हैं काफ़ी यहाँ पर, और वो दिखाते हुए जाएंगे। और ये हमारे सोना है। यहाँ की सुंदरता देखने लायक है, चार तरफ देखिए जबरदस्त ग्रीनरी, पूरे पेड़ पहाड़ पेड़ पौधे से लदे हुए हैं, खड़े हुए हैं, हरे भरे, बिल्कुल ग्रीनरी खतरनाक, बिल्कुल जहर है साहब। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, और अब चलते हैं आगे। अभी एक गेट आएगा, वहां से टिकट बनेगा। पहले तो 50 रुपये का टिकट था, अब कितने का है देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। और रास्ते का सुंदरता, व्यू आप देखते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे देखो, अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए। और दोस्तों सरिस्का वन क्षेत्र की ये चारों तरफ की सुंदरता देखते हुए चलिए, ग्रीनरी देखते हुए चलिए, क्या मनोरम दृश्य है। दोस्तों ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसके पार्ट बना लिए हैं। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत, और देखते रहिए, साथ बने रहिए।